ब्रेकिंग न्यूज, मुझसे एक लड़की पटी काली। मैं समुद्र में नहाना चाहता था लेकिन चड्डी लेके नहीं आया यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तो गाइस सब कहते हैं कि कुछ खाया पिया करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आओ मैं खिलाता हूँ। सही पकड़े हैं भैया, बर्गर तो आ गया लेकिन ये देखो इसको खाया कैसे जाता यार। तो गाइस पैसा बर्बाद, मैं गरीब हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। चूतिया के साथ चूतिया मत बोलना, कार के फेंक देगा तेरे को यही। साले इतने छोटे मारूंगा, समझा? छोटा मारेगा। चलो भैया चलो, हल्के में ले रखा दोनों। चलो भैया आज का कहाँ प्लान है? कल छह छह फुट के हम लाए, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। अरे जो बात यहाँ पर हो रहा है वो बात करो, कुछ भी बात करते रहते हैं ये चुतिया सब। तो चलो भैया आज का प्लान है हमारा जुहू बीच जाने का। क्या भैया? जुहू बीच जाने का प्लान है क्योंकि वहाँ पे लड़की ज्यादा रहती है। चलो भैया चलते हैं। बन रही आप लोग हमारे साथ, लास्ट तक एंजॉय करते रहिए और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए और कुछ नहीं गले में खिच खिच विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। तो गाइस यार फिलहाल हम अभी बस से उतर गए हैं, बस स्टैंड पे हैं फिलहाल में। और फिलहाल में मुंबई में पता ही होगा कि बारिश बहुत होती है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बार 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 बार, जैसे लड़की का ब्रेकअप बार बार होता है वैसे यहाँ पे बारिश बार 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 होती है। और बारिश कोई बड़ा चीज नहीं है यहाँ की, क्योंकि आधा घंटा में रुक जाती है। जैसे लड़की का प्यार रुक जाता है ना आधा घंटा, वैसे समझ रहे हो। चलो भैया इंतजार करते हैं बारिश रुकने की, इसके बाद निकलते हैं हम लोग जुहू बीच। अरे जुहू बीच तैरना भी नहीं आता है। अभी हम फिलहाल में स्टेशन पे है, ठीक है? यहाँ पे पहले टिकट बनाते हैं, यार टिकट बनाना जरूरी है क्योंकि एक दिन हमें 250 रुपया लग गया था। क्या हेलो इसमें है, बोल दो दो। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका भाई, अभी आप लोग देखे नहीं कि कौन आई थी, ठीक है यार? लेकिन गाल बहुत तेज से यार दबा दिया यार, बहुत तेज से। लेकिन बाबू भैया मजा बहुत आया। तो फाइनली गाइस पहुंच गए अंधेरी, यहाँ पे ले पी रहे चाय। पूछा किसी ने लौंडा सब भी पी रहा है, इसको निकलते हैं चाय पी कर निकलते हैं हम लोग जुहू बीच। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम गोवा बीच, सॉरी जुहू बीच पहुंचने वाले हैं भैया। तो हम अभी आ गए थे रॉन्ग रास्ते से, ठीक है कोई बात नहीं, रॉन्ग रास्ते से मैप देख करके हम आ गए जुहू बीच सामने में। चलो भैया बढ़ रही हो आप लोग, हमारे निखिल भैया ये रहे। कल आ जाएगा वीडियो 9 बजे से आउट कर लेना। अरे उठ जाओ भैया, कह रहे जाओ नहीं उठ रहे हैं, इनको तबियत खराब है आज। जिसको लगता है मेरे पास गर्लफ्रेंड है वो सही लगता है, मेरे पास है ही नहीं गर्लफ्रेंड। साला सिंगल हूँ यार। तो गाइस हम लोग खाने का कुछ मन कर रहा है, ठीक है इसलिए मंगवा रहे हैं हम बर्गर। बर्गर की पिज्जा, चीज पिज्जा मंगवा, बटर पिज्जा, चीज पिज्जा, जो भी पिज्जा होता है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं खा रहे हैं। इसका पेमेंट करेंगे हमारे गुड्डू। अपन के लाने में कोई बात नहीं यार, पेमेंट कर देगा। भाई लोग तुम लोग तकलीफ मत करो, मैं आपका पेमेंट कर रहा हूँ दोनों का। सुमर लोग का, टट्टी लोग का। अच्छी थैंक यू सो मच निखिल भैया पेमेंट करने के लिए, लव यू। हो रही है बारिश, देख सकते हैं आप लोग यार बारिश हो रही है, इसके चलते समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल अब पिज्जा कभी देखा देख ले, अरे निकल खाना नहीं है। तो भैया हमारा पिज्जा आ गया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पिज्जा, भैया महंगा बहुत है यार। भैया हेलो हेलो हेलो, ये क्या है? ये क्या है? पिज्जा, पिज्जा बहुत टेस्टी है भैया। डर गए थे भैया, जैसे टेस्ट नहीं है। पानी हुआ खत्म, अब जा रहे हैं पिज्जा खाने के लिए।
आपसे एक सवाल, आप जब टॉयलेट करते हैं उसे देखते भी है? बाबू देखना पड़ेगा। तो गाइस सब कहते हैं कि कुछ खाया पिया करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आओ मैं खिलाता हूँ। भाई दुनिया ही ऐसा है यार, कोई ये नहीं कहेगा आजकल। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, लाजवाब चिया। वो चाहती तो मुझे दूल्हा बना सकता था, लेकिन उसने मुझे चुतिया बनाया। आज मैं समुद्र में नहाना चाहता था, लेकिन चड्डी लेके नहीं आया यार। इसको जल्दी नहीं नहाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज, मुझसे एक लड़की पटी काली। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें काले हैं। तो गाइस आप सभी का बहुत कमेंट आता है यार, कि आप लोग बोलते हैं कि भैया मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। भैया मैं सबका कमेंट का रिप्लाई देना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है। इसके चलते इस वीडियो में मैं कमेंट का सारा रिप्लाई देना चाहता हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिए, सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो भैया कमेंट कीजिए फास्ट, कम से कम 2000 कमेंट होना चाहिए, ओके। इसके बाद हम रिप्लाई करना चालू कर देंगे। 2000 कमेंट कीजिए, चालू करेंगे हम रिप्लाई देना सबका। और एक बात, साथ में डायलॉग भी लिख दीजिएगा थोड़ा बहुत, हो सके तो। चलिए भैया आप लोग बन रहिए हमारे साथ। तो गाइस गोरखपुरिया भौजी मिली, ये देखिए। हेलो भाभी। भौजी हमसे हंसे बोले बतिया बेके पड़ी। कहाँ से आप? यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ? बस्ती जिला। बस्ती जिला, अभी तो बोला गोरखपुर। अरे आप भैया, ये भाभी। अरे बाबू है बाबू। भैया कुछ सस्पेंस हमें लग रहा है। हेलो, क्या नाम है आपका? नीलम गुप्ता। नीलम गुप्ता, उतना बड़ा हमें नाम नहीं दिए, हमें कास्ट तास्ट नहीं बताइए, ठीक है? इसलिए कास्ट नहीं बताइए क्योंकि हम आपकी बहन से शादी नहीं करना चाहते। अच्छा आपकी बहन है? कुमार है मेरे लिए इतनी खुशी। थैंक यू भाभी। एक भाभी जो है जो बोली कि भैया आपके लिए है कुमार। चलिए भैया बने रहिए आप लोग हमारे साथ, देखते रहिए। माँ तेरा बेटा समुद्र कभी नहीं देखा था यार, यहाँ से समुद्र पूरा दिख रहा है। मतलब इतना बड़ा समुद्र होता है क्या? वहाँ पे श्रीलंका भी दिख रहा है यार। चलिए भैया हमें तो श्रीलंका नहीं दिख रहा है। आज से वीडियो बनाना बंद यार, 3 लाख का सब्सक्राइबर है कोई जानता ही नहीं यार, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। अब 3 लाख का सब्सक्राइबर कुछ कोई काम करे, कोई नहीं जानता है हमें। चलते बंद कर रहे हैं आज से वीडियो हम। चलो भैया बंद। तो गाइस आजकल के लोग सब कहते हैं कि बहुत दुबले पतले हो, खाओ पियो, ये नहीं कहता है कोई, आओ मैं खिला देता हूँ। तेरा बेटा आया था जुहू बीच गर्लफ्रेंड के साथ, ब्रेकअप होके जा रहा है। भैया मेरा ब्रेकअप हो गया यार, इसके चलते कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे फैंस। मेरा ब्रेकअप हो गया, अब आप लोग खुश हो ना? गोवा वाले बीच पे हम दारू पियेंगे। दारू कैसे पियेंगे यार, हम दारू नहीं पीते। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत छोटा बन रहा है यार, बता दूं ये रीजन एक ही रीजन है भैया, बारिश होती है बार बार मुंबई में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ भी पाँव रखता हूँ बारिश आ जाती है, इसके चलते ब्लॉग छोटा बन गया आज, ठीक है, बहुत छोटा बन गया, इतना छोटा मैं तो कभी नहीं बनाया भाई, बट आज बन गया, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं भैया क्या होता है, अभी तक रात नहीं हुई, कुछ शूट करते हैं, देखते हैं अगर शूट हो पाएगी तो भैया बन रही आप लोग हमारे साथ। हमारे दोस्त कैसे है देखिए, ये दोनों खा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं देंगे, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। हेलो चुतिया, हेलो क्या है बे, देख लिए ना, देख लिए ना, अब क्या, चलो निकालो मेरे लिए भी। तो गाइस अभी फिलहाल में हम चाय पी रहे हैं, ठीक है। हेलो आंटी, चाय आपका बिकता है ना? नहीं बिकता है तो इनमें बता दीजिए, आपका चाय बिकेगा जरूर, ठीक है ठीक है। तो भैया अगर आप लोग
एक सेकंड भैया, अगर भैया आप लोग चाय पीना चाहते तो आइए आंटी के पास चाय पीजिए फ्री में। फ्री में चाय पिलाएगा मेरा बाप लगता है हम दे देंगे आंटी, टेंशन मत लो। तो भैया आइए चाय पीजिए फ्री में बाबा, नहीं दस रुपया, में ना दस का है, बीस का है, आठ रुपया वाला है। चाची हकलाती भी है, कोई बात नहीं। चलो भैया चाय पीजिए आप लोग, ओके। तो आइए आइए आइए, शाम पॉपरी लीजिए, टाइम पास टाइम पास। जिनके पास टाइम है वो ही लीजिए, जिनके पास टाइम नहीं है मत लीजिए। तो गाइस आज बचपना याद आ रहा है मुझे यार, सोन पापड़ी खा करके। आइए हम लोग सोन पापड़ी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। चलो भैया देख, पहले पीछे देख, कोई बात नहीं भैया, और सोन पापड़ी खाइए, फिर तो बाद में देखेंगे। बाद में से सबसे बड़ा चूतिया कौन है। चलो भैया आज पता चल गया, सबसे बड़ा चुतिया मैं हूँ। चलो भैया हम आए चाय पीने के लिए। चोट लग गया भैया। देखिए भैया हम अभी आए हैं जहाँ पे चाय पीने के लिए। यहाँ पे लोग सोचते होंगे कि तू आया है चाय पीने के लिए, तू भैया आ सकते हैं यार, क्योंकि हम लोग है चूतिया। वहाँ पे दोनों भैया हमारे ऑर्डर देते हुए, मेरे पास भैया पैसा नहीं है, पैसा जो है वो हमारे निखिल भैया के पास है, इसके चलते ऑर्डर देना पड़ेगा निखिल भैया को, हमें नहीं। तो गाइज पैसा बर्बाद, साला 470 रुपया का चाय है। मैं तो भागने वाला था भैया, देखे 470 अब अंदर आए तो जितने जाइए। तो भैया का एक्सपीरियंस नंबर, मैं कभी आना चाहता हूँ। इसका सस्ता है, इसका भाड़ा 300 रुपया, 270 रुपये। हाँ 270 रुपये, हमारा जो हॉट कॉफ़ी था ना 400। बर्बाद होना चाहता है ये, बर्बाद हो गया आज। तो फाइनली गाइज आ गया हमारा ये ऑर्डर। अब भैया के कप का दाम है 500 रुपया, और भैया 5-star होटल का चाय पियो। हेलो शकल तो दिखा दो, चाय आ गया आपका, पी लो। भैया बर्गर तो आ गया लेकिन ये देखो इसको खाया कैसे जाता है यार। भैया खाया कैसे जाता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाया कर इसको खाऊं कैसे। अगर ऐसे करके पकड़ के खा लूं तो बेइज्जती हो जाएगा। पैक करवा लो, पैक करवा रोड पे, पैक करवा लो तो रोड पे खा लूंगा। तो मुझे चाकू मिल गया है। चक्कू मिल गया है। भाई हम लोग हंसते हंसते पागल हो गए, यह थोड़ा है जल्दी करवा रहा है भाई। नहीं यार सच में समझ नहीं आ रहा, खाओ तो खाओ के क्यों रे, तो पीने वाला पी गया, खाऊ कैसे मैं। फाइनली गाइस कैसा लगा हमारा भाई, क्या बताएं आप सभी को यार, क्या बताएं भैया, आप बताएं भैया, भैया भैया हेलो भैया। तो भैया कैसा लगा आप लोगों को एक्सपीरियंस। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। तो गाइस आप यहां पे लाइन लगा हुआ है बस के लिए, ओके। हम लोग को बस पकड़ना पड़ता है भैया, बस के बिना हम लोग जा नहीं सकते हैं घर पे, क्योंकि भैया हम लोग भाई बहुत कंजूस, ऊपर से यहाँ पे बर्बाद कर लिया हम लोग 12-15 का पटका लगाया भाई सिर्फ कॉफी। तो भैया अभी हम फिलहाल में हैं बस में, ठीक है, और ये ब्लॉग हम अभी जोड़ के देखें तो 15 मिनट का, और भैया 15 मिनट का ब्लॉग था लेकिन हम कट चुट करके छोटा करेंगे, कोई बात नहीं, इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग बकवास बहुत कर रहे हैं, रिएक्शन कम है इसके चलते, ओके। तो भैया आप लोग ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अरे भाई ने भूल बच्चों, अरे वो सब सिंपल चीज है, मेरा मतलब क्या बोलते हैं बेइज्जती। चलो भैया ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो लव यू ऑल, बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लव यू। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद